मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सबों का एपेक्स ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। तो छात्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ हिंदी वर्णमाला के एक नए अक्षर के साथ। तो सीखेंगे ना आप? वेरी नाइस। तो चलिए पहले मैं जल्दी से रिवीजन करवा दूँ आप लोगों की, है ना, कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या सीखा। तो पिछले वीडियो में मैंने क्या सिखाया आप सबों को? अ से अनार, आ से आम, हर्षय से इमली, दीर्घई से इक, हर्षऊ से उल्लू, दीर्घऊ से ऊन, और रि से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो अ से लेकर के औ तक के अक्षर मैंने आपको लिखे सिखा दिए। अब मैं आपको आज सिखाऊंगी अंग लिखना। अंग से क्या होता है बच्चों? अंग से होता है अंगूर। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर बड़े रसीले, अंग से अंगूर बड़े रसीले, चुनकर खा लो पीले पीले। अंग से अंगूर बड़े रसीले, अंग से अंगूर बड़े रसीले, चुनकर खा लो पीले पीले, चुनकर खा लो पीले पीले। तो चलिए अब मैं आपको अंग लिखना सिखाऊंगी। देखिए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना अंग लिखा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही अंग लिखते हैं। याद आया कुछ इसे देखकर? हाँ बच्चों, ये बिल्कुल अ के जैसा ही है, बस इसके ऊपर में एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, है ना? चलिए अब मैं बताऊंगी इसे लिखते कैसे हैं। आप भी अपने मम्मी पापा से बोलिए कि वो आपके कॉपी में एक बड़ी सी अंग लिख दे, है ना, और उसे आप बोल्ड करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे ना। देखिए कैसे आपको बोल्ड करना है, अभी मैं तुरंत बता रही हूँ। जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे ही आप भी अपनी कॉपी में कीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टेप नंबर वन, देखिए ऐसे घुमा दिए आधा लड्डू जैसा गोल, फिर घुमाते हुए ऐसे ऊपर ले गए आधा गोल, फिर एक ऐसे डंडी दे दिए, फिर एक खड़ी डंडी दे दिए, और इसके ऊपर एक छत बना दिए, और ये ऐसे एक बिंदु दे दिए, तो क्या बन गया बच्चों? अंग। क्या बन गया? अंग। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये ऐसे, फिर गोल करते वैसे घुमाते हुए ले गए, फिर आधा गोल बनाए, फिर एक छोटी सी डंडी ऐसे दे दिए बीच से, फिर एक खड़ी डंडी दे दिए, और ऐसे छत बना दिए, और ऐसे बिंदी लगा दिए। ये क्या बन गया बच्चों? अंग। क्या बन गया? अंग। अंग से क्या होता है? अंग से होता है अंगूर। अंगूर अच्छा लगता है ना आप सबों को? वेरी गुड। तो ऐसे ही आप भी अपनी कॉपी में बोल्ड कीजिए और अंग लिखना सीखिए। अब मैं आप सबों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि अंग कैसे लिखते हैं। आप अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। चलिए और अब मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ वैसे आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। निकाल लिए? चलिए वेरी गुड बच्चों। अब मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे ही आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ऐसे करके एक आधा गोल बनाना है। बना लिए? वेरी नाइस। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है बच्चों, सेकंड स्टेप में ऐसे फिर ऐसे कर लिए। चलिए इसके बाद आपको स्टेप नंबर थ्री में क्या करना है, ऐसे फिर ऐसे, फिर ये बीच से, ये बीच से ऐसे लाइन दे देनी है। देखिए ध्यान से देखिए, ये बीच से ऐसे दे दिए लाइन। वेरी गुड। अब देखिए स्टेप नंबर फोर में क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए ऐसे फिर ऐसे,
फिर ऐसे लाइन खींचनी है एक, आपको ऐसे खड़ी लाइन खींच देनी है स्टेप नंबर फोर में, कैसे जैसे बना है। अब स्टेप नंबर फोर में कैसे करनी है आपको बच्चों, ये खड़ी लाइन खींच देनी है ना कि, और ऐसा लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, बट ये अभी पूरा नहीं हुआ है। अब स्टेप नंबर फाइव में क्या करना है आप सबों को, देखिए फिर ऐसे बीच से, फिर देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे मेरा गलती हो रहा था इरेज कर रहे हैं ना, वैसे ही आप लोगों के भी जब गलती हो जाती है तो अच्छे से धीरे धीरे सफाई से इरेज कीजिएगा, है ना। देखिए ये क्या बन गया बच्चों, ओ क्या बन गया, ओ है ना। अब इसमें स्टेप नंबर सिक्स में आप पूरा अंग लिख लेंगे, है ना। चलिए लिखिए, छोटा सा यहाँ डॉट दीजिए। ये क्या हो गया बच्चों, अंग हो गया ना पूरा अंग, वेरी नाइस। अब चलिए आप फिर से लिखिए, देखिए ऐसे गोल घुमाइए, फिर यहाँ से डंडी खींचिए, फिर खड़ी डंडी खींचिए, फिर ऐसे किए और फिर ऊपर में बिंदी दे दिए, एक बिंदी लगा दिए। ये क्या हो गया बच्चों, अंग है ना। फिर चलिए फिर खींचिए, ऐसे फिर ऐसे लिखें, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ये ऊपर में एक बिंदी दे दिए, क्या बन गया बच्चों, अंग। चलिए फिर से एक बार लिख के मैं बता दे रही हूँ, देखिए ऐसे किए ना, फिर ऐसे ले गए ऊपर, फिर ये ऐसे डंडी दिए, फिर ये दिए ऐसे खींचिए खड़ी डंडी, फिर ये छत बना दी और इसके ऊपर पे एक बिंदी लगा दी, क्या बन गया बच्चों, अंग बना ना। चलिए अब फिर ये बिल्कुल आसान है, आप तुरंत सीख जाओगे, है ना। देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर एक बिंदी यहाँ दे दिए तो क्या बन गया बच्चों, अंग। फिर एक बार मैं बता दूँ, देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ये छत बना दिए और ये ऊपर में बिंदी दे दिए, क्या बन गया बच्चों, अंग, है ना। तो चलिए अब एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए इसे और रिवीजन कर लीजिए कि कैसे लिखने हैं अंग, है ना। फिर आप अपनी कॉपी में लिखोगे ना। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों की रिवीजन करवा दूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों की पुनरावृत्ति के लिए है, यानी रिवीजन के लिए, क्योंकि एक बार आप फिर से जब ध्यान से देखोगे तब तो आप सीखोगे ना। देखिए ये अंग है, अब ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर वन में मैंने क्या किया, एक आधा गोल बनाया, फिर स्टेप नंबर टू में उस आधे गोल को जोड़ते हुए ऊपर ले गई, फिर आधे नंबर थ्री में फिर से ऊपर किया, फिर स्टेप नंबर फोर में देखिए, स्टेप नंबर थ्री में इसको एक डंडी दे दिए, फिर स्टेप नंबर फाइव में क्या किए, देखिए देखिए फिर एक खड़ी डंडी खींचे, फिर स्टेप नंबर सिक्स में थ्री जैसा लिख के आधा आधा दो गोल जोड़ के बना के फिर एक बीच से डंडी दिए, फिर एक खड़ी लाइन खींचे और उसके ऊपर छत बना दिए, फिर देखिए स्टेप नंबर सिक्स में डंडी दिए, फिर एक खड़ी डंडी दिए, फिर ऊपर पे छत दी और फिर ऊपर पे छोटी सी एक बिंदी लगा दिए, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, अंग। चलिए अब स्टेप नंबर सिक्स में देखिए कैसे किए, ये लिखे फिर लाइन दिए, फिर खड़ी डंडी दिए, फिर छत बनाए, फिर ऊपर पे पॉइंट दे दिए, बिंदी लगा दिए, अंग बन गया। फिर ध्यान से आप देखिए बच्चों, देखिए फिर दिए, फिर बीच से एक डंडी दिए, फिर खड़ी डंडी दिए, फिर छत बना दिए, फिर ऊपर पे बिंदी लगा दिए, अंग बन गया। फिर ये देखिए ध्यान से आप देखिए, देखिए है ना, ये अंग बन गया। फिर ध्यान से देखिए, देखिए ये अंग बन गया ना, देखिए है ना, बिल्कुल। तो अब बच्चों ऐसे ही आप अपनी कॉपी में भी लिखिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सीख गए होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी लिख कर आप मुझे सेंड कीजिए और अपने मम्मी पापा को भी दिखाइए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।